आज के एक और नए खास वीडियो हम आपको अपना इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 का लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में कुछ बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए अगर आप ये फ़ोन कंसीडर कर रहे हैं इस सेल में। और ये हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही खास चीज़ें हैं जिस फ़ोन को अलग बनाते हैं। सबसे पहली बात कि ये बहुत ही चीप फ़ोन है, चीप फ़ोन इन द सेंस कि प्राइस के मामले, क्वालिटी के मामले में नहीं, क्वालिटी बहुत ही अच्छी। इस प्राइस में इन्फिनिक्स ने हैड्स ऑफ, कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया और कवर भी बहुत अच्छा है और आप देख रहे हैं कितना प्रीमियम फ़ोन लगता है। और चाहे स्क्रीन क्वालिटी हो या बैक फ्रेम हो, बहुत ही अच्छा है। और मुझे पर्सनली इस टाइप के फ़ोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है जो अच्छे कान दाम में आते हैं। आपको 7 से 8 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा ये फ़ोन अलग अलग वेरिएंट में। और यहाँ पे देख रहे हैं जियो का है 4G का निशान है, वाइब्रेशन मोड ऑन है और डेट और टाइम यहाँ पे। और साथ में ये देख रहे हैं जो ये सेंसर है जो 24 घंटे काम करता रहता है फ़ोन। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको, आप अनुमान आँख से तो नहीं देख पाएंगे लेकिन आप किसी कैमरे के मतलब, इसलिए बोला जाता है जब भी आप कोई होटल रूम ले रहे हैं और आपको डिटेक्ट करना है कि कैमरा इसमें लगा है कि नहीं लगा है, तो आप अपना मोबाइल कैमरा लेके जाइए और लाइट्स ऑफ कर दिए, आपको फटाफट आराम से दिख जाएगा कि वो सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है या वो कैमरा कहाँ फिक्स है। तो ऐसे ब्लिंक करते रहते हैं, वो आपको एक अच्छी चीज़ है, वो पता चल जाएगी। सारे सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें इस फ़ोन को बहुत अच्छे से और इफ़िशेंट है, ज़्यादा कोई ऐप्स भरे नहीं है। 64 GB का ये फ़ोन है और तकरीबन आई थिंक 7 हज़ार रुपये का इसका कॉस्ट पड़ता है आपको, चाहे स्टोर्स पे ले रहे हैं या और भी सस्ते मिल सकता है। अगर डिस्काउंट चल रहा है तो देख लीजिएगा प्लीज़। आपको यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे इसका अबाउट सेक्शन दिया था, सिस्टम वाला जो है इसका डिटेल, सिस्टम अपडेट के बारे में। और अपडेट ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि इतना कम दाम का फ़ोन है और ज़्यादा अपडेट्स की तो अपेक्षा नहीं। जैसे सैमसंग के फ़ोन में अब जहनी तौर पर 2 साल 4 साल और 6 साल और अब तो 7 साल का भी S24 में 7 ईयर्स का अपडेट है, एंड्रॉयड अपडेट है। अगर आप S24 को कैरी कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा फ़ोन है और उस प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट है। तो अभी तक मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए इस फ़ोन को यूज़ करते हुए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली हाँ ग्लास टूट जाता है, अगर टेम्पर्ड ग्लास की बात करूँ, वैसे फ़ोन बहुत अच्छा है, अच्छे से यूज़ कीजिए, बहुत लॉन्ग टर्म रिव्यू देगा अच्छा प्राइस के साथ। लेकिन 4G फ़ोन है, अभी क्या है इन्फिनिक्स ने 5G भी लॉन्च किया तो 5G पे ही लीजिएगा डेफिनेटली, 4G को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद होगी, लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट में जाए एक्सप्लोर कीजिए, टू लेके बहुत सारी वीडियोज़ है जो आपकी मदद करती है आपको आगे बढ़ने में। थैंक यू सो मच।